अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ, वो भी फोटोशॉप टच मोबाइल की। PSCC जो टच मोबाइल में चलता है, इसकी वीडियो लाया हूँ। इसमें आपको आज मैं बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊंगा और कलर ग्रेडिंग भी सिखाऊंगा। मतलब जो जो भी इसमें होता है ना, जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं यार मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ स्पेशल आपके लिए। आपका हक बनता है, सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को देखना पूरा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। PSCC को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, फ़ोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। तो ये मैं अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर आ गया। जो भी आपने फ़ोटो ऐड करना है वो कर लें। तो मेरा ये रहा मॉडल, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो भाई, इसके ना टूल्स वगैरह कुछ इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें, आपने छोड़ना नहीं है, इस ऐसे काम करते हैं ये। जैसे भी मतलब यहाँ पे रख के ना, अब मैं सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीधा दूसरे नंबर पर ऑप्शन पे जाता हूँ, और ये तीसरे नंबर पर क्विक सिलेक्शन टूल लिखा हुआ है, ये आपने पढ़ लेना है, याद रखना है इसको। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर मतलब इसका साइज़ भी बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। साइज़ बढ़ाने के बाद मैं बैकग्राउंड एरिया को सिलेक्ट करता हूँ ऐसे आराम आराम से। आप लोगों ने भी बिल्कुल ऐसे ही आराम आराम से सिलेक्ट करना है, ताकि इधर उधर ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए। ये बिल्कुल स्मूथ और ऑटो करेगा, ऑटोमेटिक, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब जो इधर से बढ़ गया है, ये देखें इधर बढ़ गया है, तो इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे मूड पे प्लस का करना है, आपने इसको माइनस कर देना है, इसके साइज को भी कम कर लेना है, और यहाँ पे मारना है ऐसे। ऐसे मारने से ना मतलब ये अब सेट हो गया है, ये अब अपनी हालत में आ गया है। ये सब करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इन्वर्स कर लेना है, अपने मॉडल को सिलेक्ट करना है। पहले हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैंने अपने मॉडल को सिलेक्ट कर किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं रिफाइन एड्ज, ये जो है ना कमाल का ब्रश है, आपने इसको लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पे इसको यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा मतलब हेयर वाला एरिया है, मैं उस पर इसको आराम आराम से मतलब अरेज करता हूँ। ये देखो ऐसे, ये देखो सारे हेयर इसने कवर कर लिए अपने अंदर। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फेदर लगा लेता हूँ 1 का। तो ये भी डन हो गया। ये डन करने के बाद अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड को यहाँ से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अरेज भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, सिलेक्शन फ्रॉम लायर लिखा है, लायर फ्रॉम सिलेक्शन, ये ऐसा कर लेना है और अपनी पिक्चर के ऊपर आराम से क्लिक कर लेना है। तो ये सर्कल भी गायब हो गया, इस लायर पे क्लिक करना है। अब मैं अपना बैकग्राउंड गैलरी से सिलेक्ट करता हूँ। तो किधर है हमारा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड बैकग्राउंड किधर है, तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से मैं आराम से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। सेट करने के बाद ना इधर इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसे लंबा सा खींच लेता हूँ मैं इसको। तो ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद ना मैं इसको ये वाला फेद लगा देता हूँ, ताकि बैकग्राउंड सही से लगे, रियल लगे, फेक ना लगे। ज़ूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो हमारा ये बैकग्राउंड हो गया है। अब आप अगर ज़्यादा ब्लर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इसी के अंदर गेसन ब्लर पे ऑप्शन में क्लिक करना है। जितना ब्लर आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारा ब्लर जो पहले था बैकग्राउंड का, वही सही था। तो ये हमारा डन हो गया है। इस डन करने के बाद इसको हम कर देते हैं मर्ज, हम मर्ज कर देते हैं इसकी थोड़ी लाइटिंग वगैरह का, बल्कि इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं सीधा अपने लाइट रूम के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पर डन करें, ये सेव हो गया है। अब हम चले जाते हैं अपने लाइट रूम के अंदर। तो मैं लाइट रूम ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं ऑलरेडी मेरी फ़ोटो लाइट रूम के अंदर आ चुकी है। मैं बैक आ जाता हूँ, इस पर सिर्फ ज़्यादा वर्क नहीं करता, यहाँ पे मैंने प्रीसेट बनाया हुआ है, ये प्रीसेट मैं लगा देता हूँ। और इस प्रीसेट का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसके ऊपर। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं वाइट बॉर्डर लगा देता हूँ, ये भी डन हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब रही बात स्माइल की, ये जो मेरे फोटो पे स्माइल लगी हुई है, ये कैसे मैंने ऐड की, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे लगाई। तो फ़ोटो सेव हो जाए, हो गई। सेव होने के बाद सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा ओपन कर लेना है।
और यहाँ पे सर्च करना है फेस ऐप, फेस ऐप सर्च करना है आप लोगों ने। फेस ऐप को सर्च करने के बाद मैंने तो इंस्टॉल किया हुआ है, आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद किधर गई हमारी पिक्चर, ये रही मेरी हमारी पिक्चर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा ये लोडिंग करेगा और ये स्माइल वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने ये दूसरा नंबर पे इस पर क्लिक करना है तो आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल बन जाएगी और इसको यहाँ से आपने सेव कर लेना है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें।